दोस्तों, आईटीसी कंपनी का स्टॉक का जो टारगेट हमने दिया था जुलाई माह का, तो देखते हैं वो हिट हो या ना हो दोस्तों। तो हमने टारगेट दिया था 300 रुपीज़ का दोस्तों, मंथली का टारगेट। तो देखा जाए दोस्तों तो स्टॉक में कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है दोस्तों। तो 200 दोस्तों 88 रुपीज़ जब था उस टाइम हमने 300 रुपीज़ का टारगेट दिया था, जो ऑलमोस्ट हिट हो रहा है दोस्तों। 5 रुपीज़ तो इंक्रीज़ हो चुका है, ठीक है। तो आप स्टॉप लॉस भी लगा देना दोस्तों, जिन्होंने देखा है वो वीडियो। तो इसका अगर जुलाई मंथ का सेकेंड वीक का टारगेट के बारे में बात किया जाए, तो मैं कहूँगा कि हो सकता है आपका लाख अच्छा रहे दोस्तों। तो 97 के आसपास चला जाए दोस्तों स्टॉक, ठीक है। और इससे भी अच्छा दोस्तों, एक्सिस बैंक का जो सिक्योरिटी है, उसने जो टारगेट दिया था 313 रुपीज़ का, तो क्या पता ये टारगेट हिट हो जाए दोस्तों इसी मंथ का कभी, ठीक है। पर हमारा जो टारगेट है वो 5 से 6 रुपीज़ का ही फ़ायदा हो सकता है दोस्तों इस मंथ। तो आप उसी अंदाज़े लेके ही जा सकते हो मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और देखा जाए दोस्तों तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, निफ्टी 50 के साथ कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। आईटीसी बहुत अच्छा खासा रॉकेट की तरह दौड़ रहा है दोस्तों, जो इसको भी आप पिकअप कर सकते हो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। कोई भी स्टॉक अगर अचानक से निफ्टी 50 से भी बेटर परफॉर्मेंस करे, और वो भी फंडामेंटली स्टॉक में से कोई स्टॉक, तो उन्हीं स्टॉक को आप अचानक से नहीं सोच सकते कि वो स्टॉक गिर जाएगा, ठीक है। उस स्टॉक का फॉलिंग होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।